फ्रेंड्स, अभी आपको बताते हैं कि नए जो कानून बना है अपराध के लिए, नए आपराधिक कानून 2023 जो कुछ बदलाव किए गए हैं सेक्शन में, और क्या दंड संहिता है, क्या कानून का पालन करना होगा और क्या दंड मिलेगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन हमारे पास है पूरा एक PDF इस पर, जो कि दंड संहिता नया जो आया है 2023 नए आपराधिक कानून, उसके बारे में पूरा डिटेल है। अभी हम पूरा PDF आपको दिखाएंगे एक एक करके, और आप भी देखिए और समझिए कि अब कौन सा दंड का क्या नियम रहेगा और कौन सा जुर्म करने पे कौन सा एक्ट लगेगा। ये जो है नियम जो बना है नया आपराधिक कानून 2023 बिहार सरकार बिहार पुलिस के लिए है, इसमें क्या दंड रहेगा बिहार पुलिस के अंतर्गत या फिर और जो ज़िले रहेंगे पूरे ऑल इंडिया में है तो सबका अलग अलग है। ये हम अभी तक दिखा रहे हैं PDF, ये बिहार सरकार बिहार पुलिस जनविश्वास संकल्प हमारा एक PDF है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है कौन सा एक्ट पे अब कौन सा जुर्म लगेगा, कौन सा आप कारों पे कार्रवाई कैसे होगा आप पे और कितना होगा, सारा कुछ बताते हैं। अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, सेकंड वाले पेज को स्क्रॉल करके आते हैं, तो जुर्म हो गया इसे नीचे लाते हैं। ये देखिए इसका सेकेंड वाले पेज पे है अनुक्रमांक, इसमें आपका क्या क्या दिया गया है वहाँ पे आपको दिखाते हैं। प्रस्तावना है नागरिक केंद्रीय कानून, न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर, महिलाएं और बच्चे, अपराध और दंड को नए तरीके से किया गया है परिभाषित, त्वरित न्यायालय, आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, NCRB मोबाइल ऐप। ये आपका यहाँ देख सकते हैं कितने कितने पेज पे ये रहेगा, जैसे 7 पेज में ये है, 7वां में ये है, 7 से 8 में ये है, 8 से 9 में ये है, 9 से 10 में ये है, 10 में ये है, 11 में ये। चलिए अब सेकेंड वाला हम पे सेकेंड है ये, अब तीसरा PDF जो है, तीसरा PDF में क्या है वो दिखाते हैं आपको। तीसरा PDF में है प्रस्तावना, प्रस्तावना में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं प्रस्तावना है, प्रस्तावना में है जो भी है आप पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आपको पढ़ करके पूरा सुनाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये प्रस्तावना वाला पेज है। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से कब से लागू हो रहा, 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। अब भारतीय दंड संहिता 2060 की जगह क्या है, 2060 की जगह 2023 दंड संहिता प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय संहिता अधिनियम 1982 की जगह भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 लेगा, ठीक है। इसमें जो भी है पूरा आप डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए अब इससे नीचे आते हैं और चौथा पेज में क्या है वो आपको दिखाते हैं। चौथा पेज भी आपका वही है, उसको जो पार्ट्स बचा हुआ है यहाँ पे चौथा पेज में आपका दिया है, इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्या है इसके बारे में। इसके बाद फिर आते हैं पाँचवा पेज में है, पाँचवा पेज में क्या है वो दिखाते हैं आपको। नागरिक केंद्रीय कानून, नागरिक केंद्रीय कानून इसमें आपका जो दिया है इसमें आपका दिया गया है, इसमें नया आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में पहल, इस पर पॉइंट बना हुआ है। देखिए आप जो पॉइंट हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, जो धाराएं आपका इस पर
जोड़ा गया है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कौन कौन सी धाराएं इस पे लगाई गई है सब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में आ रहा है BNS की धारा 996 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजा और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है, इसमें किया गया है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं छठा पेज में क्या है। छठा पेज में आपका है, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कोर्ट में आवेदन करने पर जो पीड़िता है उसे को उसे है वो जो रहेगा उसे जो उसका जो ऑर्डर कॉपी है उसे उसके लिए पैसा नहीं लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसे अति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये आपको देख सकते हैं न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए, न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है नए कानून में, जो आपका आज से जो लागू होगा 2023 का जो कानून है उसमें न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर है। आप देख सकते हैं ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसमें सारा को पढ़ के तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन देखिए आपको कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, बाकी बता दे रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सभी चरणों के डिजिटल रूपांतरण किया गया है, ई सामान, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल करना। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस मेल के द्वारा मोबाइल पे व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको नोटिस भेजा जाएगा और ई ट्रायल भी किया जाएगा, जो आपका जरूरी नहीं कि आपके घर पे आपको वहाँ पे जाना पड़े थाने या फिर कोर्ट में, आपको ऑनलाइन वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड है, लिखता है कि पीड़ित ई बयान दे सकती है साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह। दस्तावेज की परिभाषा में सर्वर लॉग संबंधित साक्ष्य डिजिटल वॉइस संदेश को शामिल किया गया है। अगर रिकॉर्डिंग रहेगा वॉइस रिकॉर्डिंग वो भी उसका उसको माना जाएगा कि हाँ वो आदमी वहाँ पे साक्ष्य के रूप में गया। आगे बढ़ते हैं, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। यहाँ पे अब देखिए महिलाएं और बच्चे इनको लेकर के बहुत विशेष ध्यान रखा गया है इस कानून में, नए वाले कानून में। इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 तरह का कानून है। इसमें क्या क्या गया है आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें से बता रहे हैं कि इसमें महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। इसका पेक है, देखिए 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अगर 18 से कम की लड़की है उसके साथ में किसी तरह का बलात्कार का घटनाएं घटती है तो उसका जो करने वाला जो जुर्म करने वाला जो होगा उसे मृत्युदंड आजीवन कारावास हो सकता है। उसके बाद फिर देखिए सबसे नीचे वाला जो है, चिकित्सकों के लिए 7 दिन के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले क्या होता था कि आप जांच कर दिए आराम से लटकाए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना करना है। अब क्या है, जो डॉक्टर रहेंगे जो कि पीड़िता का जांच किए हैं, मेडिकल रिपोर्ट लिए हैं, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट को भेजना अनिवार्य है। इसके बाद फिर ये वाला आप देख सकते हैं, अपराध एवं दंड को नए तरीके। इसमें क्या क्या दिया गया है देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसको देखिए। इसमें क्या है, सेना झपटी,
स्नैचिंग जो जिसे कह सकते हैं, एक गंभीर और नॉन वेलेबल गैर जमानती अपराध है। ये भी बहुत अभी बढ़ा हुआ है, तो इसको भी इस महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बाकी दो तीन और है नीचे, आप देख सकते हैं, जिसमें से एक मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा होगी। ये वाला आप देखिए, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं। अभी क्या है, ये देखिए पॉइंट मिलाइए। आप जान रहे हैं कि अभी के समय में हमारे देश में काफ़ी ऐसी घटनाएं घटती है जो कि देशद्रोही, देश के खिलाफ गलत बात बयानबाजी कर देते हैं या कुछ गलत बोलते हैं, अब देश के खिलाफ जा करके गलत काम किए, तो वो राजद्रोह की जगह पे देशद्रोह उसको बोला जाएगा, राजद्रोह नहीं बोला जाएगा, क्योंकि राजद्रोह बहुत पहले वाला शब्द था, अब उसे बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख सकते हैं त्वरित न्याय, इसमें क्या है, तीन पॉइंट इसमें है और बाकी नीचे जो है उसे दिखाते हैं आपको। इसमें जो भी है देखिए, एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएस में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। आरोप तय होने पर 90 दिन के बाद घोषित अपराधियों की अनुसूची में तय कानून कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद फिर देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये इधर है आपका, बाकी उसका जो और जो नियम था इसमें है। इसके बाद फिर अब आते हैं नीचे, ये आपका हो जाता है आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव। क्या क्या बदलाव किया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, अंडरलाइन का पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं वो देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक कारावास की सजा वाले मामले में समरी ट्रायल करने का अधिकार है, और जो भी है आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको हम आपको करते हैं, बाकी आप देख लीजिए। पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, इस कानून में ध्यान रखा गया है पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पे। ये पॉइंट को आप नोटिस कीजिए। पहला क्या है, कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। इसमें है गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। असंज्ञेय मामले में दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिन के अंतराल पर भेजी जाएगी। नीचे आते हैं, अब क्या है ये नोट कीजिए, NCRB मोबाइल ऐप, ये क्या है इसको समझते हैं। NCRB मोबाइल ऐप क्या है पढ़िए, यहाँ देखिए, NCRB ने एक मोबाइल ऐप NCRB आपराधिक कानून का संकलन लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप से आप नए आपराधिक कानून के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NCRB एक ये जो है एप्लीकेशन है, और उसमें क्या कानून है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल का जो प्ले स्टोर होगा एप्पल स्टोर से आप वहाँ से, और उसके बारे में आप जान सकते हैं। बाकी आपको नीचे में दिया हुआ है कि आप बिहार पुलिस की वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं।
संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप फेसबुक पे इनसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो गया, वेबसाइट पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, पब्लिक ऐप पे हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा चैनल है HY न्यूज। यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हमारे जो धाराएं जो चेंज हुई है, नया एक्ट जो लागू हुआ है, जो शामिल हुआ है 2023 का, वो है, ताकि से अपने नज़दीकी दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि क्या नया जो कानून बना है वो क्या है, कितना फ़ायदेमंद है। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।